तो गाइस इसके बेनिफिट मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। एंड आपको इसमें क्या चाहिए होगा, सिर्फ आपको तीन तीन इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे अपनी किचन से ही जो आपको मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड टुडेज इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग रेमेडी जो खुद मैं फॉलो करती हूँ काफ़ी टाइम से। एंड गाइस इसको यूज़ करने के बाद आपके स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सारी एकदम से छुमंतर होने वाली है। एंड गाइस समर्स आने के बाद हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस पे होती रहती हैं जिसके कन्फ्यूज़ होते हैं हम बहुत ज़्यादा, कि ऐसी कोई रेमेडी हमें मिल जाए जो हमारे स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने फेस को कैसे स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग घर पर ही कैसे कर सकते हैं। एंड एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होने के कारण आपके स्किन को एकदम से ये टाइट करेगा, ब्राइट करेगा। एंड आपके फेस पे किसी भी तरह की पिगमेंटेशन है तो उसको भी ये रिमूव करेगा। एंड गाइस अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, यू नो आप वर्किंग हैं, तो भी आप अपने स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी। एंड अगर आपके फेस पे सन टैनिंग हो रखी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसके बेनिफिट मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। एंड आपको इसमें क्या चाहिए होगा, सिर्फ आपको तीन इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे अपनी किचन से ही जो आपको मिल जाएंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अगर आप अपनी स्किन का इस समय ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कि हम इतना बिजी होने वाले हैं कि हमारे स्किन के लिए थोड़ा सा भी वक्त हमें मिल जाएगा। बट अगर आप इस टाइम का थोड़ा सा भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन को अच्छे से केयर कीजिए, अपनी स्किन की अच्छे से अपनी स्किन को ग्लोई बनाइए घर पर ही एंड शाइनी बनाइए। हमें चाहिए होगा सबसे पहले 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। आप देख सकते हैं ये सबके घर में अवेलेबल होता है, अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ग्रोसरी स्टोर से इजीली इसको ले सकते हैं। गाइस कोरियन स्किन पाने का हर किसी का ड्रीम होता है, अगर आप इसको 3 डेज भी रेगुलर लगाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के मिलेंगे। एंड आप देख सकते हैं मैंने किसी भी तरह का अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं कर रखा है और आप मेरी स्किन का ग्लो देख सकते हैं। गाइस यही कारण है कि मैं इसको अपने फेस पे यूज़ करती हूँ रेगुलरली, एंड आप भी अपने फेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे हम। स्पून कॉर्नफ्लावर लेने के बाद हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून क्रीम। आप देख सकते हैं आप अपनी होममेड क्रीम भी ले सकते हैं जो आप अपना घी निकालने के लिए घर में बनाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, रॉ मिल्क की आपको इसके अंदर नीड होगी। तो गाइस अब हम इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। गाइस कॉर्नफ्लावर के अंदर स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी स्किन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। एंड आपके फेस के ऊपर ब्राइटनिंग लाती हैं जिससे आपके स्किन पर रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगी। एंड गाइस क्रीम हमारे फेस को ड्राइनेस से दूर करती है। अगर आपके फेस पे किसी भी तरह की ड्राइनेस है और आपके फेस पे किसी भी तरह की ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स हैं तो इसको भी रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। थोड़ा सा नींबू की कुछ ड्रॉप्स हमें इसके अंदर ऐड करनी है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस इसके अंदर हमने नींबू ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं नींबू ऐड करते ही कितना ज्यादा डार्क हो गया है, ये थोड़ा सा थिक हो गया है ये। एंड गाइस अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आप अपने फेस पे DIY मास्क बना सकते हैं। तो गाइस अब हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। तो गाइस आपके इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको 3 प्रोडक्ट्स की इसको नीड होगी इसको लगाने के लिए। तो गाइस अब हम इसको अपने अपवर्ड डायरेक्शन में इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। गाइस नींबू के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो आपके फेस पर ब्लीच वाला ग्लो देगा एंड आपको बाहर के केमिकल भरे प्रोडक्ट से भी छुटकारा मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे तो। एंड गाइस आपके फेस पे अगर रिंकल्स हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा आपके फेस पे रिंकल्स हो रखे हैं या फिर आपका फेस ड्राई हो गया है काफ़ी ज़्यादा तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रेमेडी है गाइस, इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड हम इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे।
एंड गाइज आप इसको वीक में 2 times लगा सकते हैं, मैं भी इसको 2 times लगा लेती हूँ। और भी सारी और भी काफ़ी रेमेडीज हैं जिसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। एंड गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और आप भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं गाइज। इसको वीक में आप 2 times अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके फेस पे स्किन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है आपकी दूर हो जाएंगी। एंड अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्किन को कोरियन जैसा दिखाना, कोरियन जैसी स्किन आप पाना चाहते हैं, तो आप इसको वीक में 2 times यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज 1 अप्लाई के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे 10 minutes के बाद इसको सुखाने के बाद, एंड आप रिजल्ट्स देख सकते हैं मेरे फेस पे कि कितना इंस्टेंट ग्लो ये देगा। एंड गाइज मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ और आप मेरे फेस को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है, कितना ज़्यादा शाइनी लग रहा है। एंड गाइज आपके फेस पर एकदम से इंस्टेंट ब्राइटनिंग कर देगा। एंड आप इसको 2 times आप यूज़ करने के बाद इसके रिजल्ट बहुत अच्छे पाएंगे, एंड बहुत अच्छे से आपकी स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ये रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं गाइज मेरे स्किन में डिफरेंस, पहले कैसी थी मेरी स्किन एंड अब कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड क्लीन एंड क्लियर हो गई है। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी होम रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।